मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम यहाँ पे सीखने आ रहे हैं वो है कि इंडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज ऑफ प्रोनाउन किस प्रकार से करते हैं, मतलब प्रोनाउन का जो चेंज है, परिवर्तन है, वो किस प्रकार से करते हैं। तो लेट्स सी, लुक एट द ब्लॉक वर्ड। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरबी। तो यहाँ पे एक बात आपको हमेशा समझनी है कि जब भी हम इंडायरेक्ट का सेंटेंस देखते हैं तो हमारे सामने वहाँ पे दो वाक्य आते हैं। एक सेंटेंस जो है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है और एक सेंटेंस जो है वो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है। इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहने वाला जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और जो इन्वर्टेड कोमा में रहता है जिसे हम इन्वर्टेड कोमा बंद करते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और हम शॉर्ट में बोलें तो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब आरबी और रिपोर्टेड स्पीच मतलब आर एस। ये बात आप ध्यान रखें। तो नियम क्या कहते हैं इसको चेंज करने के लिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन will be changed according to subject of RB. अगर reported speech में RS में means inverted comma वाले किसी sentence में अगर कोई pronoun है और वो pronoun first person से belong करता है, जैसे कि I, my, me, we, our, us, अगर ये pronoun वगैरह में वहाँ पे देखने को मिलते हैं students, तो आप first person pronoun को RB के जो inverted बात ध्यान रखें। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड थिंग, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है? यू, योर, यू। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के दैट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ आरबी। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखें। लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा और सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ये बात याद रखें। सेकंड एंड लास्ट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट वाले इन्वर्टेड कोमा वाले सेंटेंस में अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपके सामने वहां पे आता है तो आपको उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना। इतना याद रखें कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कोमा में आने वाले सेंटेंस में अगर प्रोनाउन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है उससे सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलना है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। ओके, इसको हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। लेट्स सी। अब हम इसी चीज को एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। एक बार और मैं रिकॉल कर दूं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो आरबी के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आरबी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखें कि राहुल से टू मी आई राहुल से टू मी आई नो हिम, तो पहले तो देखने की रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा पार्ट होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा में बन नहीं है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है, शॉर्ट में आर एस। तो हम देखते हैं राहुल से टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग होगा और मी की जगह मी आ गया, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए देख का प्रयोग कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग में आई, आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरबी, दैट मीन आरबी का सब्जेक्ट क्या है? राहुल। तो आई को आपको राहुल के अकॉर्डिंग बदलना है, तो राहुल का प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, राहुल एक बॉय है उसके अनुसार यहाँ पे हिम का प्रयोग होगा। ये बात ध्यान रखें, राहुल एक लड़का है, लड़के के इसके लिए हमने हिम का प्रोनाउन यूज किया है, तो आई के स्थान पर क्या हो गया? ही। नेक्स्ट, नो फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हिम हमने हिम के स्थान पर हिम को ही रखा है, बिकॉज हिम जो होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट सेंटेंस, सचिन सेड टू हिज ब्रदर यू आर अ गुड बॉय, ध्यान देंगे तो ये आर भी इन्वर्टेड कोमा वाला आर एस, आगे देख करेंगे सचिन सेड टू के स्थान पर टोल्ड हिज ब्रदर, दोनों सेंटेंस को कंजक्ट करने के लिए कंजक्शन रूप दे का उपयोग करेंगे। नाउ यू क्या होता है स्टूडेंट्स? सेकंड पर्सन प्रोनाउन,
सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ आर्मी। हमारे पास ऑब्जेक्ट है हिज ब्रदर, उसका भाई बॉय है, तो हमने ही का प्रयोग किया है प्रोनाउन के लिए और आर की जगह बॉस लगा दिया, ए गुड बॉय। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो प्रोनाउन है इतना डिफिकल्ट नहीं है चेंज करने के लिए जितना आप लोगों को लग रहा होगा, काफी इजी है। बस ये जरूर ध्यान रखें कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है उसमें तीन आते हैं, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। इस प्रकार से पूरे छह आएंगे और आपको ये सारे के सारे अगर आपको इस इन्वर्टेड कॉमा में नजर आते हैं तो आपको यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, ये बात ध्यान रखें। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन नजर आता है जैसे यू, योर, यू, तो वो आपको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, ध्यान रखें। और अगर इसके अलावा थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है जैसे ही, शी, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, अगर आपको सेंटेंस में नजर आते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं बदलना, काफी इजी है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।